ये एक संगठन की विचारधारा दर्शाता है। 1982 से जो संगठन के प्रति निष्पक्षता से लगे हुए हैं, पूरी दृढ़ता से लगे हुए हैं, उनने आज संगठन हमेशा हमेशा जो अपने कार्यकर्ता रहे हैं उनके लिए बिल्कुल निष्ठुरता से अपने लिए लगा रहता है। वैसे ही डॉक्टर मोहन जी यादव भी, मैं 1982 के टाइम की बात बता रहा हूँ, जब वो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता रहे थे और 1992 में वो उनके राष्ट्रीय मंत्री बने, उसके बाद RSS से, भारतीय जनता पार्टी से, और जुड़ते जुड़ते आज 40 साल का सफर उन्होंने तय किया है। सब 40 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री का दायित्व तो सौंपा है और इसका वो बहुत अच्छे से कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। आपने सोचा था कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बार बने, अभी बनेंगे, ऐसा आपने कभी प्रचार किया था? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो भी वो काम करते थे उसमें पूर्ण था, अपना सभी चीज लगा देते थे, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा महाकाल की नगरी और बाबा विक्रमादित्य की नगरी से कोई इतने बड़े पद पे आया है, तो सभी को, वहाँ के लोगों को और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का आभार करते हैं। आपको क्या लगता है आपके पिताजी युवाओं के लिए किन चीजों पर विचार करें आगे चल के, किन किन चीजों, क्योंकि अभी वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कई यूनिवर्सिटीज खुली, अच्छा काम भी किया, तो आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपके पिताजी से कि युवाओं के लिए क्या करेंगे, अन्य क्षेत्रों में क्या करेंगे युवाओं की? जैसे आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए माननीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू करी है। नई शिक्षा नीति लागू करने से जो युवा आजकल, जो आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नई शिक्षा नीति आने से जो स्किल डेवलपमेंट का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके कारण कोई भी डिग्री पाने के बाद अगर आप दर दर नहीं भटकेगा, युवाओं को बिल्कुल स्किलफुल लोग मिलेंगे और अपना काम, खुद भी अपना काम मिलेगा और दूसरों को भी काम प्रोवाइड करेगा वो। आपके पिताजी से आपकी बात हुई होगी, किस चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्या करना है मध्य प्रदेश के लिए, कभी उन्होंने बताया हो कि किन चीजों पर फोकस करते हैं कि इन चीजों पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है? जैसे कि आपने बताया शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो शिक्षा के प्रति उनका खासा लगाव रहा है, तो शिक्षा क्योंकि एक शिक्षक जो रहता है वो अलग डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, वैसे ही शिक्षा के प्रति उनका सबसे ज्यादा वो है। तो कई IITs, कई IIMs और वो एम्स जैसे भोपाल में आ ही गया है। इसके अलावा शिक्षा के प्रति आगे सही चीज जोड़ेंगे। इसके साथ साथ रोजगार की बात करें तो रोजगार में बाहर से अलग अलग, जैसे एप्पल जो है वो यहाँ इंडिया में आ गया है, तो उसका कोशिश करेंगे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ा सकें और मध्य प्रदेश में नए रोजगार कैसे डेवलप कर सकें, इस विजन से आगे बढ़ेंगे।